तेल अवीव में बम धमाके की जिम्मेदारी हमास के लेने के बाद इसराइल की सड़कों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे इसराइल में इस वक्त टेरर अलर्ट जारी है। जलते गाजा की तस्वीरों के बीच इसराइल में धमाकों की खबर ने अमेरिका को भी चौंका दिया है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि इसराइल में हमास के 27 एजेंट घुस गए हैं। इसराइल की राजधानी तेल अवीव में फटा बम। टारगेट पर थे इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू। रक्षा मंत्री योग गैलेंट को उड़ाने की थी तैयारी। बम किसके लिए था? मौत का पैगाम। जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारते। इसराइल की राजधानी तेल अवीव में फटे बम की कहानी नेतन्याहू को यही लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रही है। ועוד לא יודעים, תכף, אנחנו רגע בודקים את הדברים, בודקים את הדברים, ונכון לעכשיו אני יכול לומר שזה יכול להיות פחה וגם יכול להיות פלילי, כיוון הפחה מאוד רציני. तेल अवीव में बम टारगेट पर पहुंचने से पहले ही फट गया, जिसमें उसी शख्स की मौत हो गई जो बम को ले जा रहा था। सवाल यह है कि यह बम किसकी जान लेने के लिए ले जाया जा रहा था? बम का टारगेट कौन था? क्या यह बम हमास प्लांट करने की कोशिश में था, या इसराइल के भीतर ही बैठा कोई दुश्मन बम प्लांट करने की फिराक में था? इसकी डिटेल अभी तक तेल अवीव की पुलिस जुटाने में जुटी है। लेकिन यह बहुत गौर करने वाली बात है कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब तेल अवीव में इस तरह की कोई घटना हुई है। गाजा में खून खराबे के बीच ऐसा कई बार हुआ जब तेल अवीव भी दहला, कभी लेबनान के हिजबुल्ला के रॉकेट से, कभी चाकूबाजी से, कि कभी मिसाइल अटैक के पहले के सारण से। इसराइल वॉर मोड में है, लेकिन खुद इसराइल के खिलाफ हमले नहीं रुक रहे। इस बीच इसराइल ने गाजा में ताजा हमले किए हैं। इन हमलों में 29 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है। गाजा पर ताजा अटैक उस वक्त हुआ है जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इसराइल में थे शांति प्रस्ताव पर बातचीत के लिए। इसराइल बातचीत के लिए कितना तत्पर है, कितना उत्सुक है, गाजा पर हुए हमले उसकी वानगी है। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक सेंट्रल सिटी दीर अल बला में एक घर पर इजरायली हवाई हमले में बच्चे और उनकी मां की मौत हो गई। मरने वालों में एक ही परिवार के 8 लोग शामिल हैं। हमले में एक महिला और उसके 6 बच्चों की मौत हुई है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने दक्षिण शहर खान जोनस से इसराइल पर हमला करने के लिए इस्तेमाल किए गए रॉकेट लॉन्चरों को नष्ट कर दिया, जो हाल के हफ्तों में तीव्र लड़ाई की जगह थी। गाजा में युद्ध और शांति साथ साथ। गाजा जल रहा है, अभी से नहीं, पिछले साल अक्टूबर से नेतन्याहू जला रहे हैं शांति प्रस्तावों, बैठकों और युद्ध विरामों की कोशिशों के बीच। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन युद्ध छेड़ने के बाद 10वीं बार इसराइल पहुंचे शांति प्रस्ताव में जान फूंकने के लिए। इससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री और फ्रांस के विदेश मंत्री भी तेल अवीव में थे। मकसद वही, इसराइल और हमास के बीच शांति स्थापित हो सके। एंटनी ब्लिंकन ने क्या कहा, सुन, उसके बाद दिखाएंगे शांति समझौतों की कोशिशों के बीच मिडिल ईस्ट के दरवाजे पर जंग की दस्तक। दिस इज अ डिसाइसिव मोमेंट, प्रोबेबली द बेस्ट, मे बी द लास्ट अपॉर्चुनिटी टू गेट द हॉस्टेजेस होम, to get a ceasefire and to put everyone on a better path to enduring peace and security. I'm here as part of an intensive diplomatic effort on President Biden's instructions to try to get this agreement to the line and ultimately over the line. It is time for it to get done. It's also time to make sure that no one takes any steps that could derail this process. And so we're working to make sure that there is no escalation, that there are no provocations.
बताया जा रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन गाजा के साथ एक समझौते पर मुहर लगाने के लिए नए सिरे से बातचीत करेंगे। इजराइल के बाद ब्लिंकन मंगलवार को मिस्र के काहिरा की यात्रा करने वाले हैं, जहां आने वाले दिनों में युद्ध विराम वार्ता फिर से शुरू होगी। AFP के मुताबिक जॉर्डन और खुद हमास ने भी पश्चिमी देशों से नेतन्याहू पर दबाव बनाने की अपील की है ताकि कोई समझौता हो सके। वहीं इजराइल में भी युद्ध विराम को लेकर कई लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू के सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए महत्वपूर्ण धुर दक्षिण पंथी सदस्य किसी भी युद्ध विराम का विरोध कर रहे हैं। पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव और ब्लिंकन के इजराइल में लैंड होने के समय कैबिनेट बैठक में हमास प्रमुख का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने जो कहा, उसे बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। हमास इस समय तक अड़ियल बना हुआ है, उसने दोहा में वार्ता के लिए अपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजा, इसलिए दबाव हमास और याया सिनवार पर होना चाहिए, ना कि इजरायली सरकार पर। इससे पहले मई के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फ्रेमवर्क तैयार किया था और कहा था कि यह इजरायल की ओर से आगे बढ़ाया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बाद में इस प्रस्ताव का समर्थन किया। प्रस्ताव के तहत शुरुआती 6 हफ्तों के लिए लड़ाई रुक जाएगी, इजरायली जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले इजरायली बंधकों की लेन देन होगी और मानवीय सहायता गाजा पट्टी में पहुंचाई जाएगी। अमेरिका, कतर और मिस्र के मध्यस्थों ने भी प्रगति की सूचना दी है और अमेरिका का भी मानना है कि समझौता होने के करीब है। हालांकि बाइडेन के ये कहने के बाद कि हम पहले से कहीं ज्यादा समझौते के करीब हैं, हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य सामी अबू जोरी ने इस तरह की आशावादी बातचीत को भ्रम कहकर खारिज कर दिया है। मतलब घुमा फिरा कर बात वहीं पहुंचती दिख रही है कि हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा कब होगी। हमास इजराइल युद्ध में अब तक 40,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा में पोलियो फैलने की आशंका गहरा गई है। विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए कोई जगह नहीं बची है। कुछ लोग सड़क पर सो रहे हैं। पीने का पानी भी दुर्लभ हो चला है। बाजारों में भोजन तो है लेकिन यह बहुत महंगा है और फिलिस्तीनियों के पास पैसे नहीं बचे हैं। खून, मौत, मातम और सन्नाटा ही गाजा का वर्तमान है। नवंबर 2023 को हमास और इजराइल के बीच 4 दिनों का संघर्ष विराम हुआ था। इस दौरान करीब 50 इजरायली बंधक और 150 फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई हुई थी। इसके बाद से सीज फायर डील पर सहमति की कोशिश की जा रही है लेकिन अब तक कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। इजरायली डिफेंस फोर्स दम भर फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार रही है। तमाम इंटरनेशनल संस्थानों की मानवीय अपील नेतन्याहू ठुकराते रहे हैं। 10 दिसंबर 2023 को भी अमेरिका, कतर और मिस्र की ओर से एक 3-स्तरीय सीज फायर डील का प्रस्ताव रखा गया था जिस पर हमास के अधिकारी तो राजी हो गए लेकिन इजराइल ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ हमले तेज करने का ऑर्डर दिया था और हमास के अंतिम आतंकी के मारे जाने तक किसी भी तरह से युद्ध रोकने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से इजरायली डिफेंस फोर्स ने फिलिस्तीनियों को मारा, उसने दुनिया को चिंता में डाल दिया। यही वजह है कि दोहा में 15 और 16 अगस्त को गाजा सीज फायर डील को लेकर बातचीत हुई। हालांकि इस बातचीत में हमास के प्रतिनिधियों ने हिस्सा नहीं लिया। हमास उन 3 स्तरीय प्रस्ताव पर सहमति चाहता है जो UNSC से भी पारित हो चुका है। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री ने एक बार फिर नई शर्तें रखी हैं। पश्चिमी मीडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल दक्षिणी गाजा में अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहता है। साथ ही नेतन्याहू की मांग है कि वो गाजा में जगह जगह चेक पॉइंट बनाएंगे और उत्तरी गाजा में लौटने वाले फिलिस्तीनियों को तलाशी के बाद ही जाने दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि इजराइल की इन नई शर्तों की वजह से ही हमास ने सीज फायर डील की बातचीत में शामिल होने से इनकार कर दिया है। सवाल है कि अब आगे क्या होगा? युद्ध विराम होगा या खास यूं ही कब्रिस्तान में तब्दील होता रहेगा?